बढ़ रहा है तो रहीसों के साथ क्यों नहीं हो रहा है? ये लाइन देखो, बाउंड्री वाल कहाँ आया है, रोड में देखो। भैया क्या लगता है, ये जो दुकानें हटाई जा रही है नगर निगम के द्वारा, सही है या गलत? गलत है भाई, किसी गरीब आदमी काहे से कमाएगा, भूखा मरेगा क्या? सरकार देगी क्या पैसे? यहाँ दीदी मौजूद है, इनका होटल यहाँ पर चलता था, क्या लगता है दीदी ये जो हटाया जा रहा है सही है? क्या सही भैया, पूरा बर्बाद कर दिए, कहाँ के सही है, कैसे करेंगे हम लोग इतने से है। रईस लोग गाड़ी लेके जा रहा है, कार लेके जा रहे, तो उनको जगह ज्यादा चाहिए, लेकिन गरीबों को क्या चाहिए, खाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में लगातार नगर निगम की कार्यवाही जारी है, जिसमें सड़क किनारे जो दुकानें थी अतिक्रमण हटाया जा रहा है लगातार, और सड़कों किनारे जो चाय की दुकानें थी या जो समोसे का ठेला लगाता था या तमाम जो छोटी बड़ी दुकानें जिनसे उनका जीवन यापन चलता था, उन दुकानों पर लगातार कार्यवाही जो है नगर निगम के द्वारा की जा रही है। भैया क्या लगता है, ये जो दुकानें हटाई जा रही है नगर निगम के द्वारा, सही है या गलत? गलत है भाई, किसी गरीब आदमी काहे से कमाएगा, भूखा मरेगा क्या? सरकार देगी क्या पैसे? आप लोग को भी बोला गया था हटाने के लिए, तो आप बोला था? अब नहीं बोला, अब नहीं बोल रहे तो। और यहाँ पे दुकानें थी, उन लोग हटा लिए, वहाँ पान की दुकान वगैरह थी? नहीं, वो तो बहुत पहले ही, वो पक्की दुकान, वो अलग मैटर है, वो रोड का मैटर। अच्छा, और इधर और कौन कौन सा दुकान लगा? इधर तो हमारी लगती है, आगे लगती है सब्जी। अच्छा, आप लोग भी पैसा ऐसा देते हैं? नहीं, पैसे वैसे मैं तो ठीक है देखता हूँ भाई, रोड ऐसी जाम होता है तो सही है हटाना? हाँ, हटाना तो सही है। लोग का जीवन यापन चल रहा है उससे, हाँ उनको सबसे यहाँ से उठा के कहीं उसको स्पॉट देना चाहिए, उनको कम से कम रोजी रोटी उनका चलते रहे, है ना भाई, जगह उनको देना। हाँ, रोड चौड़ा होना जरूरी है, मगर जो रोड के किनारे धंधा कर रहे हैं बैठ के, उनको भी स्पॉट देना जरूरी है भाई। एक तरह से सही है, रोड के किनारे है, उसको सेट को हटाए हैं, ठेले लोगों को हटाए हैं, मगर हमारा तो अंदर था भैया, उसके बाद भी खुलवा दिए, देखिए दुकान के सामने। अच्छा, हमारे देखिए, इधर भी देखिए और उधर भी देखिए, इसके अंदर ही थे हम। नहीं, पर सड़क किनारे हटा रहे हैं, पर जो जिनका आय का स्रोत था वो कैसे करेंगे? अब जिनका आय का स्रोत था रोड के किनारे बैठ रहे हैं, उसको रोड से थोड़ा दूर हट के बैठना पड़ेगा। अब एकदम रोड में बैठोगे तो पब्लिक कहाँ जाएगी? रोड में चलने वाले, चलने गाड़ी मोटर को चलने वालों को जगह होना चाहिए ना भैया? मेरे हिसाब से सही है, भले मेरा भी खुला है लेकिन सही है भैया, रोड क्लियर होना चाहिए। इनका कहना है कि अतिक्रमण बिल्कुल सही जो है किया जा रहा है। यहाँ दीदी मौजूद है, इनका होटल यहाँ पर चलता था, क्या लगता है दीदी ये जो हटाया जा रहा है सही है? क्या सही भैया, पूरा बर्बाद कर दिए, कहाँ के सही है, कैसे करेंगे हम लोग इतने से है, बता। सरकार का कहना है कि जाम हो रहा है, जाम हो रहा है तो कहाँ से जाम होगा, छोटा सा दुकान है, इतना जाम थोड़ी होगा। कितने साल से दुकान है आप लोग का? हम लोग की दुकान 10 साल से। 10 साल से आय का स्रोत यही था, अब कैसे करेंगे फिर आप लोग? क्या करेंगे, हम वही लोग बताएंगे। तो उन लोग से बोले नहीं हम लोग को दूसरा जगह दे दो? बोले तो नहीं है, इसको तोड़ने बोले हैं क्या? हाँ, तोड़ने बोले हैं, निकाल दो या तो फिर हम लोग तोड़ देंगे बोल के। तो भाई नुकसान क्यों होगा, अपना खुद निकाल रहे हैं। क्या लगता है आपके हिसाब से सही है कि गलत है? गलत है, रोड के जगह है करके हटा रहा है तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? गरीब लोग रोड में धंधा करेंगे, रोड में ही जिएंगे, या तो उनको व्यवस्था करना चाहिए। आप रोड सफाई के चक्कर में तोड़ रहे हैं, लेकिन उनको कहीं जगह भी तो देना चाहिए। रईस लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं, कार लेके जा रहे, तो उनको जगह ज्यादा चाहिए, लेकिन गरीबों को क्या चाहिए, खाना चाहिए है कि नहीं? गरीबों को खाना चाहिए तो खाना कौन देगा? रोड में कमाएंगे फेरे टपोरी वाले लोग, अब रोड से ही भगा दोगे तो लोग कहाँ जाएंगे? क्या लगता है आपके हिसाब से, क्या लग रहा है सही है कि गलत? ये तो अब ऐसा है कि गलत है, जो बना हुआ है दुकान उसमें रोड छेक रहा है वहां को करो, रोड नहीं छेक रहा है उसको क्यों करोगे? अब इसमें क्या, कुछ आदमी आपत्ति आदमी रोड में डाल देता है, उसके चक्कर में दूसरा भी आदमी चले जा रहा है कि नहीं? दूसरा जगह देना चाहिए? नहीं, देना क्या चाहिए यार, अब अपना अपना व्यवसाय बनाएगा ना भाई। हाँ, अब परमानेंट दुकान वाला तो फिर कहाँ जाएगा अपना दुकान रख के? परमानेंट वाला तो रहेगा ना, अब जिसके पास नहीं है वो आगू मन लाख टिका देता है, उसके चक्कर में अपना परमानेंट वाला भी चला जाता है, ऐसा है।
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ से अतिक्रमण हटाने की बात उनको कही गई है, इनको हटाने के निर्देश दिए गए हैं नगर निगम के द्वारा, जिसको जिसको जो है हटाया जा रहा है। ये भैया मौजूद है, क्या लगता है भैया, ये हटाया जा रहा है सही है गलत? सही है भैया, सही है, सही है। जो गरीब आदमी दो वक्त की रोटी कमा रहा था, कैसे करेगा अब? कैसे करेंगे भैया, अब क्या है, अब निगम वाले बोल रहे हैं तो हटाना ही पड़ेगा, अभी नहीं उसके आगे तो कुछ नहीं कर सकते ना। 10 साल से इनकी दुकानें लग रही है? हाँ 10-15 साल से लग रहा है भैया, 15 साल से ऐसा नहीं हुआ है, अभी हुआ है इसी साल। मतलब सही है आपके? सही है भैया, जो मतलब वो खैर रोड पे आ रहा है बोल रहा है तो हटाना ही पड़ेगा ना। इस लाइन में जो तोड़ फोड़ करवा रहा है, तोड़ रहा है, तो रहीसों के साथ क्यों नहीं हो रहा है? ये लाइन देखो, बाउंड्री वाल कहाँ आया है, रोड में देखो कैमरा घुमाओ, तो उसमें क्या हिम्मत नहीं हो रही क्या सरकार को? गरीबों को तो भगा रहा है लेकिन रोड और नाली और बाउंड्री वाल कहाँ है, वो नहीं दिख रही क्या सरकार को? तो पैसे वाले के लिए नहीं है क्या कानून? गरीबों के लिए कानून है क्या? तोड़ना है तो पूरा तोड़िए, यहाँ से वहां तक के चौक तक के वहां पूरा निकल जाइए, किनाल रोड तक के तोड़ के बताए, सरकार के समर्थन करेंगे हम कि अच्छा किया करके। सही बोल रहा हूँ दादा, क्या लगता है ये जो टूट रहा है, सही है गलत? बाउंड्री के अगर मतलब अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका तो ज्यादा नहीं था मेरे ख्याल से बाहर। अब इनका दुकान चल रहा था बोल रहे हैं? हाँ उनका दुकान चल रहा था ना, नाश्ता पानी का है उनका। आपने देखा किस प्रकार से जो है लोग जो है 8-10 साल से दुकानें लगाकर जो अपनी आजीविका चला रहे थे उनको तोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, और निश्चित तौर पर जो आम जनता है उनका बात सही है कि कानून क्या सिर्फ गरीबों के लिए है, जो अमीर घर के लोग हैं उनका कहना है कि जो पूरे सड़क को घेर कर बैठे हैं उनके उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि गरीबों का जो तीन टप्पर है उनको तोड़ा जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये अपनी रोजगार के लिए भटकते हैं दर दर, या फिर कोई नया स्रोत इनको नगर निगम जो है आय के लिए बना कर देती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, रायपुर छत्तीसगढ़।